देयर वॉज अ टाइम वेन वी यूज टू पे पीपल फॉर कॉपी राइटिंग. तो हमने कॉपी राइटिंग का एक एक लॉन्च का कितना कितना रुपए तक दिया हुआ? सो ऑप्टिन चैट का लॉन्च करा था मैंने और गौरव ने, और इन दैट लॉन्च वी पेड $3,000 फॉर फ्रंट एंड एंड OTO1 की कॉपी. तो बेसिकली ₹2 लाख पे करे थे फॉर टू सेल्स पेजेस एंड टू सेल्स वीडियो. सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑल अबाउट. वी अंडरस्टूड आपने कॉपी राइटिंग करा. इस प्रोडक्ट को आपने बेचा कैसे? हाउ डिड यू सेल दिस? आप थोड़ा रेवेन्यू के बारे में भी बताओ. जो मेरा पहला एफिलिएट कमीशन था, तो पता नहीं मैंने रात को सोते सोते चेक करा था और मैंने देखा कि कुछ कमीशन आया हुआ है. अच्छा. और फिर मैं गौरव के साथ था, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार कुछ मेरे को ना, गौरव मदान. हाँ. तो मैंने कहा यार मेरे को ना सपने में आया कि हमारे ना कुछ पैसे बने हैं. तो फिर हमने सुबह उठ के जेवी सू स्टार्ट चेक करा, तो उसमें देखा कि $248 की कमीशन बनी हुई थी. बहुत पैसे होते हैं. तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जो कि हमारा एक अच्छा वो आया हुआ था. तो मतलब फिर वो अभी सपना नहीं था भाई, एक्चुअल में हुआ है. सो वी डिड समथिंग ऑफ कोर्स. नाउ अगेन ऐसे ही करके स्टार्ट होती है, राइट? द फर्स्ट यू काउंट द फर्स्ट सेल. अभी हमारी जो पैसों की एफिलिएट कमीशन थी वो एक दिन की $4,500 थी, और उस समय वो पहले दिन में वो इट वॉज लाइक यार ओके एंड वर्किंग फॉर 30 डेज फॉर दैट प्रोमो. और मैं आपको एक बात और ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप देखो एक दिन की $4,500 इनकम, आप कैलकुलेट करो वो कितना रेवेन्यू होता है. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि हमारी कंट्री में सब कुछ करते हैं. उसका रीज़न पता है क्या है? अवेयरनेस ही नहीं है. जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगी आप उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ेंगे? मैक्सिमम लोगों को तो यार ऐसा होता भी है, मतलब यार भाई एक बंदा पूरे महीने भर तिल तिल के काम करता है, घिस घिस के काम करता है, उसके बाद जाके उनको ये पैसे मिलते हैं. लेकिन अब इसमें मैं दोनों चीज़ें बोलना चाहूँगा यार, वी हैव सिंपैथी फॉर यू, वी हैव एम्पैथी. अगर आपको आपका काम नहीं पसंद हो तब, ये नहीं अगर आपको आपका काम पसंद है प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट. लेकिन अगर आपको पता है कि इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और आप अपने खुद के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो सब चीज़ें सीखने के लिए, देन यू डोंट डिजर्व टू मेक इट बिग. एब्सोल्युटली. हमने यार कितने पैसे खर्च करें यार अभी तक अप्रॉक्सीमेटली? अभी जब पैसे वाली बात हुई है वो भी बता कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है. जस्ट इन सॉफ्टवेयर आई बिलीव आई वुड हैव स्पेंट मोर देन 50 लाख्स. 50 लाख रुपए आज तक. और वो समझो वो पैसे हम पे थे नहीं, हम जैसे जैसे जो जो पैसे कमाते रहते थे वो हम इन्वेस्ट करते चले जाते थे. ये इवेंट जिसमें हम गए थे, सौरभ और मैं दोनों गए थे, इसकी फीस थी $1,000 सिर्फ इवेंट को अटेंड करने की. बाकी US का वीज़ा, US में ट्रैवल, US में स्टे पूरा. इसी समय पे हम इस वाले इवेंट में भी गए थे, इस वाले इवेंट की फीस भी $1,000 थी, $1,500. तो $1,500, 3,000, 1,000, 1,000, $5,000 तो सिर्फ हमने फीस में दिए थे. बाकी ये वाला इवेंट हुआ था मियामी में, ये वाला इवेंट हुआ था सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे सैन होजे में, जहाँ पे कि सिलिकन वैली है. तो आप सोचोगे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. और वो तभी हो पाता है हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करा. हमारे पास तो शायद आज आपके पास जितने पैसे हैं उससे बहुत कम पैसे थे. तो जो भी पैसे हम आज भी कमाते हैं वो सारे के सारे पैसे हम लोग हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहते हैं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो कि आपको सीखना अत्यंत आवश्यक है. तो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है. अगर मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कभी कभार कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, नाउ दे थिंक ऑफ बाइंग थिंग्स लाइक बाइक ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, थिंग्स लाइक दैट. आई सिंपली से वन थिंग, 80-90% पुट इट बैक इनटू बिजनेस. अभी आपको किसी एडिशनल चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर एक साल पहले तक नहीं थी तो आप एकदम से कैसे हो गई? अभी पूरा का पूरा पैसा वापस बिजनेस के अंदर डालो, उसको ग्रो करो. जिन चीज़ों की वजह से वो अभी तक इस लेवल पर पहुँचा है वापस उसको उसी चीज़ को 10x कर दो, वो अगले लेवल पे जाएगा. एक टाइम आएगा जब वो रिकरिंग रेवेन्यू आपका बन चुका होगा, तब आप अपनी पर्सनल चीज़ें ले लेना. लेकिन आप ले सकते हो, तब आप ले सकते हो, लेकिन अभी आपको वापस डालते रहो. एग्जैक्टली. और एक चीज़ और है बॉस यहाँ पे जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि मतलब सर थोड़ा सा तो हम भी खुशी खुशी क्रेडिट भी ले सकते हैं यहाँ पे, कि एकमात्र चीज़ जिसकी वजह से कि हम अपने काम को स्केल कर पा रहे हैं, जैसे अभी गोवा में हम लोग हैं, हमारी टीम में 40 के आसपास लोग हैं. आप समझो वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये वाली सक्सेस अपनी लाइफ में नहीं ली है. उसका बहुत बड़ा क्रेडिट पता है किस चीज़ में जाता है? सिर्फ इस चीज़ में कि हमारे जो पैसे थे वो हम सिर्फ बिजनेस में लगाते थे और अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करते थे. कुछ है ही नहीं अननेसेसरी एक्सपेंस, मतलब यहाँ पे रह के भी, मतलब वी डोंट पार्टी, वी डोंट गो एनीवेयर, पार्टी वुटी का कोई सीन नहीं है, दारू वगैरह पीते नहीं है, और इसके अलावा मतलब नो अननेसेसरी एक्सपेंस, दैट इज द ओनली थिंग, राइट? पुटिंग एवरीथिंग बैक इनटू बिजनेस. और इसीलिए ही इवेंट्स में जाने के लिए और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, या कुछ भी किसी एक बंदे से अगर मिलने के लिए भी अगर उसे भी पैसे देने हैं ना, तो
टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप. आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब थोड़ी सी देर में हम किसी को बुला के भी, मतलब अगर हमें गोवा में बुलाना है, कहने का मतलब यही है, किसी से मिलने के लिए हम उनके फ्लाइट टिकट्स और रुकना खाना पीना सब कुछ अफोर्ड करने को रेडी हैं उस वाले इन्वेस्टमेंट को करने के लिए. एग्जैक्टली. तो जो हम अपने स्पीकर्स बुलाएंगे इवेंट के अंदर, सो ऑल द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी आर एबल टू डू, दैट इज समथिंग दैट वी आर एबल टू डू विद आवर ओन मनी. अभी जब तू वहां पे था, थाईलैंड में था, उस समय हमने ऑफिस फाइनल करा था. Right. So, उस समय पे हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि इसमें कितना पैसा लगेगा, पैसे कहाँ से होगा, ये अंडरस्टैंडिंग भी हमारे में उस 10 आपने मैंने वीडियो भी एक बनाया था आप देखना, 40 lakhs in 10 days, उन 10 दिन के पीरियड में 40 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करे थे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एसीज में, टीम मेंबर्स को हायर करने में, रेंट देने में ऑफिस का, क्योंकि नया ऑफिस लेने का मतलब है 3-4 महीने की सिक्योरिटी वगैरह पे करना, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट जाता ही है. और अगर आप सोच रहे हो कि इस वाले वीडियो में हम आपको ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 20 लाख रुपए पहले से बोलना कि हम प्राइस में देंगे, इतने सारे लोगों को हायर करना, स्पेशलाइज लोगों के संग काम करना, अगर वो मनी हम हमारे पास बैकअप में नहीं रखते तो हम कभी भी इतना बड़ा करने का सोच ही नहीं सकते थे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पैसे हमारे पास थे वो हमने हमारे इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करा. आपके भी पास अगर आज बैंक अकाउंट में 5-10 हज़ार रुपये बचे हैं ना, या 20 हज़ार रुपये बचे हैं, जो भी है उसे बचाने का मत सोचो. 20 हज़ार रुपये आपको आगे नहीं लेके जाएगा, उसको इन्वेस्ट करो ताकि आप खुद को काबिल बनाओ, और इतना काबिल बनाओ कि उतने 20 हज़ार रुपये आप रोज के कमा सको. वो माइंडसेट आपको आगे लेके जाता है काम. एट द सेम टाइम यार भाई एक और चीज़ भी है, अभी हम लोग बता रहे हैं कि हमारे पास मनी था इसलिए हमने पहले प्राइस वगैरह अनाउंस करे, लेकिन ऐसा नहीं है. हमने 2015 में जो इवेंट करा था देहरादून में, उस समय हम पे पैसे नहीं थे, तब भी हमने वो पैसे लगाए थे, तब भी हमने वो रिस्क लिया था, तब भी हमने सेलिब्रिटीज को बुलाया था, लेकिन उस समय हमें लॉस हो गया था. लेकिन बात ये थी कि रिस्क तब भी ले रहे थे, अब भी ले रहे हैं. ऐसा कोई है कि 20 लाख रुपए हैं इसलिए प्राइजेस में लगाए, ऐसा नहीं बात है. जब हम पे पैसे नहीं भी थे, तभी भी करा. एग्जैक्टली, प्राइजेस में इसलिए लगाए क्योंकि पता है ये अंडरस्टैंडिंग कि अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इसलिए लगाए. और जब हम वो इवेंट देहरादून में कर रहे थे, हम वो इवेंट कैंसिल कर सकते थे, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसों का नुकसान होता, पैसों का नुकसान ना होता, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी चली जाती मार्केट में, क्योंकि हमने अनाउंस कर रखा था कि हम ये इवेंट करेंगे. तो वो क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्रेडिबिलिटी के संग काम करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है. ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट वन मोर टाइम, आपने फिर अफिलिएट्स को रीच आउट करना शुरू करा, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने अफिलिएट्स थे जो आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे? अराउंड बाय द एंड ऑफ द लॉन्च अराउंड 500+ अफिलिएट्स होंगे. वाओ. एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट. एंड अराउंड 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट थी जो कि हमने अप्रूव नहीं करी थी. एंड उसमें कुछ पावर एफिलेट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल एफिलेट्स होते हैं, कुछ डिसेंट एफिलेट्स होते हैं. तो अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम. राइट. सो बेसिकली अगर आप देखें तो 1500 से ज़्यादा लोग प्रमोट करना चाहते थे. अगेन, व्हेन यू वुड वर्क कंसिस्टेंटली अ टाइम वुड कम व्हेन द रिजल्ट्स विल कम योर वे. लेकिन एक और चीज़ है, जो 500 लोग हैं, आप एक और चीज़ देखो कि वो 500 लोगों को हवा में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. एब्सोल्युटली. हमने एक एक को बैठ के इस लैपटॉप में जाके उंगलियाँ लगा के सबको मैसेज करा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट आ रहा है. और ऐसा नहीं है कि लोग हमारे मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऐसा है कि दूसरा बंदा कहीं वेकेशन पे है, कहीं संडे मना रहा है, अपनी फैमिली के साथ है, देन द पर्सन सेज कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करें. ओके, किस समय? अच्छा, थर्सडे को 11 बजे. ओके, टाइम नोट करके रखा है, उसे उस समय के अकॉर्डिंग मैसेज करना है. सिटिंग ओवर हेयर इन इंडिया एंड सेलिंग ग्लोबली, इट मीन्स कि आपका जो मेजर जो क्लाइंटेल है, जो ये सारे कस्टमर्स हैं, जो एफिलेट्स हैं, वो दूसरे टाइम जोन में. Exactly. तो बेसिकली उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग रात रात में जगे रहना. Right. And at the same time, ये वाला लॉन्च एक्चुअली में थोड़ा डिफिकल्ट भी था. क्योंकि कस्टमर्स जो थे वो थे बाहर के. Right. जो एफिलेट्स थे वो थे बाहर के, और जो डेवलपमेंट होता था वो होता था इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग. तो रात को 4-5 बजे सोने को मिलता था, लेकिन सुबह 9-10 बजे डेवलपर का मैसेज आ जाता था. तो अल्टीमेटली उसलिए भी ये लॉन्च थोड़ा सा डिफिकल्ट था. सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नथिंग दैट बीट्स हार्ड वर्क. ये बहुत बड़ी सच्चाई है. सो सौरभ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एक बार ब्रेकडाउन भी लोगों को समझाएं कि आपका ब्रेकडाउन किस तरीके से हुआ था. मतलब आपने जैसे शुरुआत करी तो पहले दिन कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ आपने, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज आगे अपनाई कि ये रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो. ओके, सो हमारा ब्रेकडाउन भी के बारे में बता देता हूँ. हाँ जी. सो ब्रेकडाउन हमारा पहले दिन फर्स्ट 24 आवर्स बेसिकली हमारा $100,000 हो गया था. नाइस. सो इट्स लाइक 70 लाख के आसपास फर्स्ट 24 आवर्स. राइट. और उसके बाद सेकेंड डे पे वो धीरे धीरे थोड़ा अपना शफल करता जाता है. सेकेंड डे पे इट वाज लाइक अराउंड 50-60K. ओके. 50K ऑलमोस्ट. ओके. उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी मुझे उसे ऊपर लेके जाना है. तो हम लोगों ने क्या करा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हमने अपग्रेड्स के लिए पुश करना शुरू करा. कि जो हमारे
हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं आप उनको खरीदना शुरू करो उनको right. उसको पुश कैसे करा उनको एजुकेट करा कि वो जो हायर वैल्यू के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं राइट सो वी स्टार्टेड एजुकेटिंग देम अबाउट दैट एट द सेम टाइम जो हमारे एग्जिस्टिंग एफिलिएट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट निकाले सो सम एडिशनल कॉन्टेस्ट जिससे कि अगेन दे ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड कि ठीक है मैंने इनिशियली पुश करा था अपने सब्सक्राइबर्स को सेल कर दिया था लेकिन अभी और भी लोग हो सकते हैं अगर मैं उनको भी पुश करूंगा तो दे विल गेट सम एडिशनल रिवॉर्ड आउट ऑफ इट ओके सो इस तरीके के मल्टीपल कॉन्टेस्ट हम लोगों ने बीच में चलाए फॉर एग्जाम्पल कि एक तो हमारा मेन कॉन्टेस्ट था लेकिन उसके अलावा कि आप अगर इतना पुश करोगे तो हम आपको हाई सेल पे इतना एक्स्ट्रा कमीशन दे देंगे समथिंग लाइक दैट ओके ओके सो एक्स्ट्रा रिवॉर्डिंग फैक्टर जिस वजह से कि लोग उसमें लगे रहे हमारे exactly. इस तरीके की चीजें करी और आपको मैं अगर बताऊं आपको रियल टाइम स्टैट्स लोगों को बताना पड़ता है कि कौन इस समय नंबर वन पे है कौन इस समय नंबर टू पे है सो दैट जो बंदा नंबर टू पे है वो और एफर्ट्स डाले कि मेरे को नंबर वन पे आना है ये वाली स्ट्रैटेजीज भी बतानी पड़ती है लोगों को पता होना चाहिए ना कि हम लोग अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं सो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर द एफिलिएट्स एक हमारा एफिलिएट है जो कि 10th पोजीशन पे रहा था ओवरऑल लीडर बोर्ड के तो 10th पोजीशन पे रहने का मतलब है ही डिड ऑलमोस्ट $6,000-$7,000 वर्थ ऑफ सेल्स राइट उसका जो मैसेज आया था अपना एफिलिएट लिंक अप्रूव करवाने के लिए वो आया था रात को 3:30 बजे चौथे दिन की रात को अच्छा नाउ जस्ट इमेजिन इफ आई वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट इंस्टेंट जैसी मैसेज आया अप्रूवल अगर नहीं गया तो बाद में बंदा कुछ भी बोल देगा ही वॉज इन वेगस बाय द वे तो अगेन आई कैन नॉट कंप्लेन राइट उसने अपना टाइम निकाला मैसेज करने के लिए ईमेल करने के लिए बट आई इफ आई वॉज नॉट अवेलेबल इफ इन बिटवीन द लॉन्च इफ इट इज कि मैं अपने रात को इन्जॉय कर रहा हूँ सोने के लिए कि दिन में तो पैसे आ ही रहे हैं देन द वर्क इज लॉस्ट राइट आपके पास वो 8 दिन है उस बीच में सब कुछ करने के लिए तो आपको वो करना पड़ेगा इस समय अवेलेबल रहना पड़ेगा एग्जैक्टली सो अगर हम ओवरऑल देखें हमारे टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने लिया है प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 2000 इंडिविजुअल कस्टमर्स 2000 इंडिविजुअल कस्टमर्स आप एक चीज और है दोस्तों अगर 2000 इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं तो रेवेन्यू कैलकुलेट अगर आप करोगे तो कम जाना चाहिए तो रेवेन्यू 330 कैसे गया है उसका मतलब होता है फनल्स और ये फनल्स भी हम आपको बताने वाले हैं वेबिनार में वन मोर टाइम रिमाइंडर यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द वेबिनार गो एंड रजिस्टर फॉर द वेबिनार सो वेबिनार में सौरभ आप उनको आइडिएशन बताओगे कैसे रीच आउट करना है और डिटेलिंग में ईपीसी क्या होता है अर्निंग पर क्लिक के बारे में फनल्स कैसे होता है फनल्स कैसे वर्क करता है व्हाट इज अ फनल ऑल अबाउट सो ये वाला ब्रीफ ओवरव्यू भी आप सारे के सारे लोगों को दे देना उस दिन पर राइट डेफिनेटली सो इफ यू अंडरस्टैंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग द वे टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग यू कैन सिट हियर इन इंडिया यू कैन स्टार्ट योर वर्क यू कैन रीच आउट टू पीपल आउटसाइड इंडिया एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ मार्क फॉर योरसेल्फ एंड बिलीव मी ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल अगर आप डिटर्मिंड हो कि मेरे को सीखना है और आगे चल के इम्प्लीमेंट भी करना है तो एक चीज और बताता हूँ जो नॉलेज हम आपको अभी दे रहे हैं हर समय मैं ये चीज बोलता हूँ दिस इज ओनली अवेलेबल टू 0.1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको पता है और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कहाँ से सीखा है कैसे वर्क एथिक्स हैं कितने अच्छे से काम कर रहे हो कितना लंबा माइंड सेट है आपका कितना लॉन्ग टर्म आप प्ले करना चाहते हो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लॉन्ग टर्म की बात करें सो आपका इस प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म स्केल करने का क्या प्लान है जैसे आपने बोला कि लॉन्च का मतलब ये नहीं हुआ कि रेवेन्यू जनरेशन खत्म हो गया तो मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया दीजिए यार इसमें अगेन हमारा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है ओके सो अभी उसमें बहुत सारे सजेशन हैं जो कस्टमर्स के पॉइंट्स पे आ रहे हैं राइट कि हम क्या बिकॉज इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर इट्स अ प्लेटफॉर्म इन इटसेल्फ राइट तो एक बहुत सारे सजेशन हैं जो कस्टमर्स के आ रहे हैं एंड अगेन कुडोस टू द टीम दैट इज वर्किंग इन चेन्नई अंडर द गाइडेंस ऑफ कार्तिक रमनी सो दे आर डूइंग कंटिन्यूस अपडेट्स ऑन अ डेली बेसिस उस प्रोजेक्ट को रेगुलरली डेवलप करने के लिए सिंस द लॉन्च वी हैव ऑलमोस्ट डन 10-15 अपडेट्स और लॉन्च खत्म हुए अभी 3 दिन हुए तो 3 दिन के नहीं सॉरी 3-4 दिन हुए तो इन 4 दिनों में हम लोगों ने 10-15 अपडेट्स कर दिए हैं और करीबन 4 हम लोग कस्टमर्स की ट्रेनिंग कर चुके हैं एक ट्रेनिंग आज रात को है एक ट्रेनिंग कल रात को है सो अगेन इट्स अ प्रोजेक्ट हैज जस्ट लॉन्च इट्स अ बेबी इट्स अ 4 डेज बेबी राइट अभी उसे बहुत टाइम लगेगा पूरा ग्रो होने में एंड जो आपका प्लान है उसको आगे और स्केल करने का भी है एब्सोल्युटली सो स्केलिंग ऑब्वियसली आप फेसबुक एड्स अच्छे से चलाते हैं आप लोगों को सिखाते हैं सो यू वुड बी स्केलिंग इट थ्रू फेसबुक एड्स एज वेल यस यस सो फेसबुक एड्स इज वन वे हाउ वी वुड बी स्केलिंग इट सेकेंडली वन मोर थिंग विच यू आई डोंट नो यू हैव नोटिस्ड इट और नॉट ये लोग 15 अपडेट्स कर चुके हैं विच मीन्स कि सेलिंग करने के बाद हम लोगों को आफ्टर सर्विस देने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं वो तो हमारे इवेंट में भी होता है यार
हमने जो लास्ट ईयर इवेंट करा था उसके बाद हमने लोगों के लिए वेबिनार्स करे थे मई वाले इवेंट में, अगस्त में सेकंड इवेंट करा था उसके बाद भी हमने वेबिनार्स करे थे, जो हमारा अपकमिंग इवेंट है अगेन मई के मंथ में, उस मई वाले इवेंट में हम लोग लोगों को इवेंट के बाद भी 10 वेबिनार्स करके सपोर्ट करने वाले हैं, कोई भी नहीं करता यार। और अगर आप देखो इस बार तो हमने इवेंट के पूछते भी नहीं है इवेंट्स के बाद, आपको पता है वी डोंट नीड टू टेल यू, हमारे लिए एडवांटेज भी तो है ना यार, जब बाकी के लोग अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं देते हैं, वी लव देम, वी लव गिविंग देम वैल्यू। एंड आपको पता है लास्ट ईयर इवेंट में जो लोग आए थे उसमें से 80% पीपल आर अगेन कमिंग बैक दिस ईयर, यू नो व्हाई, बिकॉज वी टेक केयर ऑफ आवर पीपल, वी लव देम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट एंड वी वांट देम टू बी सक्सेसफुल। और इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज जो कि आपको इवेंट में भी देखने को मिलेंगी। और इस साल तो हमने इवेंट इतनी कम प्राइसिंग पे ओपन करा है क्योंकि पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे सर हम करना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप पैसे कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने करा। ये फोन है ना, ये फोन अगर मैं आपको आज बोलूंगा ना 10,000 रुपए का मिल रहा है, आप कहीं से भी पैसे ढूंढ के जमीन खोद के भी लेकर आ जाओगे, गारंटी 100% कहीं से भी लेकर आ जाओगे। एक उस बंदे को देख लो जो कि सिगरेट पीता है, हाँ, वो कहीं से भी पैसे जुगाड़ कर लेगा रोज का चलाने के लिए अपना हिसाब किताब। रियलिटी सिगरेट की बात है, दारू की बात है, उनके पास घर वालों को देने के लिए पैसे नहीं होते, बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन लोग दारू के लिए पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं। अगेन इस वाली मानसिकता से ऊपर उठना है, ये चीज बोलना आई कैन नॉट अफोर्ड इट को चेंज करना, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये माइंडसेट चेंज कर लेते हो यू विन, बिलीव मी। और पता है क्यों? क्योंकि 90% लोग तो इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं ना, बस तो आप इनिशिएटिव लेते हो। अभी हमको चीज सच में रियलाइज हुई है, विनिंग इज नॉट डिफिकल्ट मैन, इट्स ईजी, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट नॉलेज, यू हैव द राइट माइंडसेट एंड यू आर रेडी टू टेक द इनिशिएटिव। मैं भी बताता हूं, इसमें माइंडसेट वो चीज है जो कि आपके कंट्रोल में, राइट, नॉलेज वो चीज है जो कि हर जगह अवेलेबल है, अभी भी आप नॉलेज ले रहे हो, राइट, एंड अगेन जब आप अच्छी जगहों पे जाओगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते रहोगे अपने ऊपर, तो ऑटोमेटिकली अच्छी नॉलेज आप गेन करते रहोगे। दैट इज योर माइंडसेट ओनली, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अरे मैं भी बताता हूँ उस दिन क्या हुआ, धीरेन मुझे बोल रहा था, हमारी टीम मेंबर है अदिति, यार अदिति के लोगों को ना पैदल जाना पड़ जाता है, एक्टिवल ही नहीं है, मैं लाइक वेबिनार कर देता है उसमें क्या, समझ में आया आपको? मतलब अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि ईमेलिंग लिस्ट इतनी बड़ी है, सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं, वो वेबिनार पे आएंगे, और हमारा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हमने लाइक वेबिनार से ये अमाउंट तो आ जाए। अब ये बोलना बहुत ईजी है, पर ऑनेस्टली आप बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जो बिजनेस भी कर रहे होते हैं, जिनके पास एक्चुअली में 1,00,000 रुपीज भी सेविंग्स में पड़ा होता है। रियलिटी इज 3-4 चीज़ें हैं बॉस, जो सौरभ ने बोला, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो चौथी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ो। मैक्सिमम लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते, एंड देयरफॉर पीपल वी हैव ऑल्सो गिवन यू द लिंक ऑफ द इवेंट, अगर आप बहुत समय से सोच रहे हो प्लीज़ गो एंड जॉइन द इवेंट। आई फील रियली बैड फॉर पीपल जिनको इतनी सारी नॉलेज मिल रही है और वो तभी भी सोचते रह जाते हैं आप ये डिसीजन ले या ना ले, क्योंकि बाद में वो लोग रिग्रेट ही करते हैं। वी डोंट वॉन्ट यू टू रिग्रेट इन योर लाइफ, वॉट वी वॉन्ट यू टू डू इज टेक दैट एक्शन। आपको नीचे वेबिनार का लिंक भी गिवन है, वेबिनार में भी रजिस्टर करो, इवेंट में भी आओ, सारी चीजें लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बिकॉज द इवेंट मोटिव इज टू एम्पावर एज मेनी पीपल एज वी कैन, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली डू दैट फॉर यू, राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से पर्टेनिंग टू द इवेंट? अगेन सी यू इन द वेबिनार। अभी हम लोगों ने जितना हमारा वीडियो अराउंड 40-45 मिनट्स मे बी जो भी है उतना लेंथ का हमारा हो गया है, लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन मोर डिटेल इन द वेबिनार, एंड ऑफकोर्स आई वुड लव टू सी यू एट द इवेंट, राइट? जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसको 100% डिटेल में विद द इनसाइट्स एंड द इन्वायरमेंट दैट यू आर गोइंग टू सी, दैट इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको लगेगा तो सही कि लोग एक्चुअल में अपनी सक्सेस के लिए इतना क्रेजी हैं, अपने पागल हैं, राइट? अदरवाइज वो माइंडसेट आपको सराउंडिंग मिलता ही नहीं है। सो अगेन बी देयर एट द इवेंट, 5,000 पीपल, EBW2, या CEO वे देयर। और एक बार मैं फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ सारी चीज़ें। सो जो प्रोडक्ट था, सॉफ्टवेयर था, उसका नाम था मार्केट प्रेसो, एक बहुत अमेजिंग टीम, सौरभ भटनागर, कार्तिक रमणी, अर्चना मैडेस्वामी, जो चेन्नई बेस्ड टीम है, और यहाँ पे जो हमारी टीम है, सब ने मिलकर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बनाया, आप लोगों के सामने लेकर आए। एक मार्केट प्लेस है जिसमें कि आप अपना मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं, लोगों के पास तक पहुँचते हैं, अपना मार्केट प्लेस आप अपनी सर्विसेज लोगों के सामने ले जा सकते हैं। यू आर नॉट कम्पीटिंग विद फाइवर एंड एनी अदर ब्रांड, बिकॉज आपके पास डेटाबेस भी खुद ही का आ रहा है, आप खुद ही प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमने अफिलिएट्स के थ्रू रीच आउट करा, बहुत सारे अफिलिएट्स ने इसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करा, और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपके फनल में कितने प्रोडक्ट्स हैं, लोगों का क्या होता है, कॉपी राइटिंग कैसे होना चाहिए, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड व्हेन यू वर्क अपॉन ऑल दीज थिंग्स इट कम्स, और ये विद टाइम आपकी सारी चीज़ें सेकंड नेचर हो जाता है आपका, यानी आप ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को करते रह जाते हैं। बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू लर्न एंड इंप्लीमेंट दीज थिंग्स। पीपल, वी हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस वीडियो,
please share this video. Please comment on the video. That's the least that you can do. And why I tell you to comment is because it increases the engagement of the particular video. It reaches out to maximum people. Despite our business, despite our work, despite the fact that Saurabh ki training hai, toh bhi hum logon ne video banaya aap logon ko value dene ke liye. The least that people can do is comment on the video. And I very openly say that, I'm very vocal about it, ki aap successful tabhi bante hai when your nature is of giving. Jab aap giving nature ke hote hai, tabhi aap aage badh paate hai, tabhi aapke paas wo results aate hai. And that is precisely what we always believe in. Saurabh, bahut maza aaya. अपने बहुत सारी चीज़ें लोगों के संग शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड विशिंग यू मच मोर अमेजिंग सक्सेस. और आपको जब आप इवेंट में आओगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा तो आने ही वाला है. गो रजिस्टर फॉर द वेबिनार राइट नाउ. बाय बाय.